जलकार हो। ये क्या, इन्होंने तो हमला कर दिया। तो ये तरकीब थी, अलेक्जेंडर ने हमारी फौज को टुकड़ों में बांट दिया ताकि उसे हमारी ओर आने में किसी किस्म की रुकावट ना आए। जलकार हो। आगे बढ़ो मैसेडोनिया के शाह, तुम्हारा हाथ तुम्हारे जिस्म से उसी तरह काटूंगा जैसे तुम्हारे खेमे में घुसकर मैंने उन सभी गद्दार फारसियों की पाहियों के काटे थे। गलती की तुमने, पहले मैं सोच रहा था कि एक जख्म देके तुम्हें छोड़ दूं, मगर ये कह के तो तुमने अपनी मौत मांग ली। तेरे इर्द गिर्द घेरा बना लो। Yeah!
सिपाहियों के हाथ काटे और मैंने तुम्हारा दाहिना हाथ पारूस काट डाला। अब कल तुम्हारी बारी है। कन्याओं की नगरी में है, ये हम पर कहीं से भी आक्रमण कर सकते हैं पुरु। हमारे लिए छिपने का कोई मार्ग नहीं है। विशुद्धि कहाँ है? विशुद्धि अवश्य ही अन्य विषकन्याओं के साथ हम पर आक्रमण करने आ रही होगी। बाची, आप सब यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, विशुद्धि का सामना मैं करूंगा, क्योंकि उसका लक्ष्य मैं हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से संकट आप सब पर आए। विशुद्धि, शुद्धि हमारी सहायता करने का प्रयास कर रही है, शीघ्र करो और आओ मेरे साथ। नहीं पुरु, ये इसका कोई दूसरा षड्यंत्र लगता है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हस्ती, विश्वास करो अपने भाई पर, ये कोई षड्यंत्र नहीं। चलो। धन्यवाद, अब मैं कुशल हूं, अब हमें उन्हें समाप्त करना है। विष फैल रहा है। ये लो, इसे पियो, ये तुम्हारे विष को काटने की औषधि है।
मेरा विश्वास करो, हम विषकन्याओं के पास विष के साथ साथ विष को काटने की औषधि भी रहती। लो, इसे पियो। जानती हूं मैं तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र पारस पहुंचना है, और इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता कर सकती तक। इसका सिर भी नहीं मिला हुजूर। एलेक्जेंडर ने मेरी फौज के बीच रास्ता बनाया। कल मेरी तलवार उसके सीने के बीच रास्ता बनाएगी। कैसे बनाएगी रास्ता? कैसे कैसे जीतेंगे अब ये जंग हुजूर? कैसे जीतेंगे? आज की जंग में हम अपनी आधी फौज खो चुके हैं हुजूर। जंग फौज से नहीं, इरादों से जीती जाती है मौशियस।
बीती रातों से हम फारसी हैं और फारसी कभी भी अपने दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते। हम फिर से अपनी ताकत इकट्ठी करेंगे और उस एलेक्जेंडर का गुरू तोड़ेंगे। कुछ अंदाजा है अब कितनी फौज बाकी है एलेक्जेंडर की? जितना अंदाजा था उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है फौज को। आज हमने फारसियों पर अपना दबदबा तो कायम किया मगर उनकी बड़ी फौज ने हमें भी बहुत नुकसान पहुंचाया। कुछ तकरीबन 35,000 सिपाही बाकी बचे हैं हमारे पास। सब मेरे लिए उतने ही काफी है। उनसे कहो कि आज रात आराम करें और कल सुबह हथियारों के साथ मुझे मिले। कल हम उन फारसियों को खत्म करके जश्न मनाएंगे और तराएस इस बात का अफसोस करेगा कि मुझे जंग के लिए ललकारना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात तो मैं बचपन से जानता था कि तुम कमाल के लड़ाके हो मगर आज की जंग की चाल देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन है कल का दिन फारस की तारीख में याद किया जाएगा। कल हमारी लड़ाई और उस पर फतह दोनों तय। कोई और होता तो इसे चापलूसी समझता है फेस्टियन मगर मैं जानता हूं अगर तुम ऐसा कह रहे हो इसका मतलब तुम्हें इस पर यकीन है। अगर मां के बाद मैं किसी पर या कोई मुझ पर इतना यकीन करता है तो वो तुम हो फेस्टियन। वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। उसके लिए वादे की क्या जरूरत है अलेक्जेंडर? तुम्हें छोड़कर मैं जाऊंगा कहां? हम तीनों का कत्ल करूं एक बार में? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां मरने की तकलीफ से